माझी थाना क्षेत्र के सवंदरा टोले में बीते शुक्रवार को दो पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट में जख्मी एक व्यक्ति की रविवार को पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। सोमवार की देर शाम छपरा से पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक गणेश राय का शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया और दरवाजे पर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरवाजे पर छाती पीट पीट कर रो रही महिलाएं अपने पटीदार तहारी राय के परिजनों पर गणेश राय को ईंट पत्थर से कुछ कुछ कर मार डालने का आरोप लगा रही थी। परिजनों द्वारा बीती रात्रि माझी शमशान घाट पर शव का दाह संस्कार करा दिया गया। मृतक की मौत की खबर पाकर मारपीट करने वाले पटीदारों द्वारा घर छोड़कर फरार होने की भी खबर है। मारपीट के मामले में मृतक के पुत्र आदर्श कुमार के बयान पर माझी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें मृतक के चाचा दहारी राय समेत कुल 5 लोगों को नामजद किया गया है। बताते चले कि मारपीट के दौरान मृतक का पुत्र आदर्श कुमार भी बुरी तरह जख्मी हुआ था, जिसका अब भी इलाज चल रहा है। मेरा और भाई के कल निधन हो गए हॉस्पिटल में, का भय रहे वहाँ के एचजीए से। हमार नाम महेश यादव है, ठीक बाबू हमारे बड़ भाई रनी हूँ वहाँ के। तो एगो मोबाइल खाती उनका के लड़का उनका लड़का से झगड़ा भइल के मोबाइल ही हमार हो और वो लड़का कहे कि हमार हो, वही बात पर झगड़ा भइल। झगड़ा भइल छोटा मोटा बात खातिर, लेकिन ये लोग बोल वहीं से प्लानिंग सोच के बनल रहे कि कैसे कर भाई के का नाम रहे गणेश यादव। कहिया के घटना है? 23 तारीख के घटना। वहाँ के का करो तो नहीं है कहीं? वहाँ के अभी एज रहनी हटे 2 साल से। अच्छा, वहाँ के बेटा बेटी? ये उनकर बड़ लड़की है, इनकर छोट लड़की है। उनकर बेटा मारा आदर्श यादव, उनकर मार के कपार मार देले वालों। पहले से पटीदार लोग से कुछ झगड़ा झंझट चलत रहला? पहले से जमीन के लिए चलत रहला। घटना के जानकारी पुलिस के रहुआ लोग देले बनी? घटना के जानकारी पूरा सूचित कर दल बा पुलिस के। एफआईआर भी बन गल बा, दिया गल बा सब कुछ।